हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरे मिशन सक्सेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे जो कि सुग्गा की तरह झलक रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे आप लोग के और प्रस्तुत हैं, और बच्चे अपनी कला दिखाएंगे, और बच्चे कुछ बच्चे इसमें अपना कहानी भी बोलेंगे, जो चैप्टर पढ़ा उसके द्वारा कहानी बताया जाएगा। तो देखिए कहानी में क्या बच्चे कहना चाहता है, क्या सीख इस कहानी में मिलता है, बच्चे कितना इंटेलिजेंट है ये जवाब देती है। तो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आप जवाब दीजिए, क्या कौन सी कहानी बोलना चाहते हैं, बोलिए। एक राज में विक्रम राम का एक राजा रहा करता था, उसका एक ही पुत्र था। वो गरीब को एक लव में आम भरकर वो राजा ने उसको दिया। सब सिपाही ने उसको सिपाही ने वो गांव में आम पसमाने को सिपाही को बोला, वो उसको आम लाने के बोला, गांव में उसको भेजवा दो। और राजा का पुत्र बुद्धिमान भी था, वो राजा का पुत्र भी बोला, पिताजी हम भी जाएंगे। फिर नाव सफर शुरू किया, नाव आंधी तूफान में डूब गया, नाव सब सिपाही ने मर गया। राजा का बेटे और डूबते डूबते किनारे पर आ गया। छोटे छोटे बौने थे उसको वो राजी में छोटे छोटे बौने था वो राज में सब राजा को बेटे को कैद कर लिया कि ये राक्षस है, उसको पकड़ लो। राजा वो छोटे बौने का राजा वो बोला, हम कुछ नहीं करेंगे, हमको छोड़ दे। राजा ने सिपाही को बोला, बौनों को, कि इसको ये राक्षस है, हम सबको मार देगा। तब राजा को ये बात पता चली, ये मेरा बेटे पुत्र टूट गया। वही राज में एक रामू राम का एक व्यक्ति रहा करता था, उसने वो कैदी ही था। उसको मंत्री जी से ये कहा कि हम उसको छोड़ा लेंगे। राजा ने ये बोला कि जो हमारा बेटे को जो छोड़वा लेगा, भेज लेगा, उसको हम आधा राज हमको उसको दे देंगे। तो वो सफर शुरू करा। उसने वो बौनों वाला राज में एक गया। बौनों ने बोला, एक वहाँ पर एक छोटी बरगद का पेड़ है, उसमें एक राक्षस रहा करता था। वो उसका पोतर सीसी का था, छोटे रंग के, उसमें उसका शक्ति था। वो ने मिलकर बहुत बड़ा पतंग बनाया, उसको रस्सी से बांध दिया। उसके बाद सबको उसको ऊंची तरफ से उसे उड़ा दिया। फिर वो बरगद के पास गया, भूत ने जैसा देखा उस पर पत्थर बरसाने लगा, चालाकी से उसने उस फोड़ दिया उसको बोतल को, राक्षस भी मर गया। फिर इसके बाद बौनों के पास गया, फिर उसको सोना दिया, चांदी दिया, हीरे दिया, राजा को भी छोड़वा लिया, उसको धन्यवाद भी किया। फिर उसके बाद राजा के पास चला गया, राजा ने उसने आधा राज जी दे दिया। वो इंसान बोला, हम नहीं लेंगे राजा जी, हमारे एक छोटे बेटी है, हम उसे लेके बहुत दूर चल जाएंगे। उसका बेटी रोने लगा, पापा को देख के बेटी का आंख से आंसू निकलने लगा, पापा आ गए पापा। वो बेटी हम बहुत दूर चलो, हम वो डॉल्फिन जहाज में बैठ के बहुत दूर बोला हम चलेंगे। सब गांव वालों नहीं जाओ उसको बोलने लगा। फिर उसके बाद वो बैठ के बहुत दूर चल गया। हमें यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सोच समझ कर चाहिए।